शमुएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 11 शमुएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 11 दाऊद के पाप में फंसने का वर्णन। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इसराइलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पुछवाया, तब किसी ने कहा, यह तो एलियाम की बेटी और हित्ती उरियाह की पत्नी बतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो कृतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा कि हित्ती उरियाह को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरियाह को दाऊद के पास भेज दिया। जब उरियाह उसके पास आया, तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने उरियाह से कहा, अपने घर जाकर अपने पांव धो। और उरियाह राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया, परंतु उरियाह अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर न गया। जब दाऊद को यह समाचार मिला कि उरियाह अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने उरियाह से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया? तो अपने घर क्यों नहीं गया? उरियाह ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इसराइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सब सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के संग सो? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। दाऊद ने उरियाह से कहा, आज यही रह और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरियाह उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उसे नेवता दिया और उसने उसके सामने खाया पिया और उसी ने उसे मतवाला किया। और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु अपने घर न गया। बिहान को दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरियाह के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था कि सबसे घोर युद्ध के सामने उरियाह को रखना, तब उसे छोड़कर लौटाओ कि वह घायल होकर मर जाए। और योआब ने नगर को अच्छी रीति से देख भाल कर जिस स्थान में वह जानता था कि वीर है, उसी में उरियाह को ठहरा दिया। तब नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए और उनमें हित्ती उरियाह भी मर गया। तब योआब ने भेजकर दाऊद को युद्ध का पूरा हाल बताया और दूत को आज्ञा दी कि जब तू युद्ध का पूरा हाल राजा को बता चुके, तब यदि राजा जलकर कहने लगे कि तुम लोग लड़ने को नगर के ऐसे निकट क्यों गए, क्या तुम न जानते थे कि वे शहर पनाह पर से तीर छोड़ेंगे? यरूबेशेत के पुत्र अबीमलेक को किसने मार डाला? क्या एक स्त्री ने शहर पनाह पर से चक्की का ऊपरला पार्ट उस पर ऐसा न डाला कि वह तेबेस से मर गया? फिर तुम शहर पनाह के ऐसे निकट क्यों गए? तो तू यू कहना कि तेरा दास उरियाह हित्ती भी मर गया। तब दूत चला गया
और जाकर दाऊद से योआब की सब बातें वर्णन की। दूत ने दाऊद से कहा कि वे लोग हम पर प्रबल होकर मैदान में हमारे पास निकल आए, फिर हमने उन्हें फाटक तक खदेड़ा। तब धनुर्धारियों ने शहरपनाह पर से तेरे जवानों पर तीर छोड़े और राजा के कितने जन मर गए और तेरा दास उरियाह हित्ती भी मर गया। दाऊद ने दूत से कहा, योआब से यो कहना कि इस बात के कारण उदास न हो, क्योंकि तलवार जैसे इसको वैसे उसको नाश करती है, तो तू नगर के विरुद्ध अधिक दृढ़ता से लड़कर उसे उलट दे। और तू उसे हिया बंधा। जब उरिया की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। और जब उसके विलाप के दिन बीत चुके, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा क्रोधित हुआ।